चमोली की नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने पदभार ग्रहण करने के बाद पहली दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि यातायात नियंत्रण और अपराधों की रोकथाम में उनका काफी उल्लेखनीय अनुभव है। जोखिम और चुनौतीपूर्ण कार्यों में उन्होंने हमेशा सफलता पाई है। उनकी पहली प्राथमिकता चारधाम यात्रा को सफल और सुगम बनाना है। यात्रा मार्ग पर यात्रियों को सुगम से अच्छी सुविधा मिले, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही युवाओं को नशे से बचाना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। चमोली से संदीप सिंह की रिपोर्ट। स्थल होने के दृष्टिगत अगर जो घटना यहाँ कारित हुई है उसकी हम निंदा करते हैं। साथ ही जो इस घटना के संबंध में जो तहरीर प्राप्त हुई थी उस पर हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। चूंकि घटना से कहीं ना कहीं एक भय का माहौल व्याप्त होने की आशंका थी, बट ऐसी कोई संभावना यहाँ नहीं है। सभी यात्रा सकुशल चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। इसको लेकर के किसी तरह की कोई दुविधा मन में ना रखें। जो घटना हुई है उस पर हम लोग अपने स्तर से लीगल कार्रवाई जो हमारी तरफ से अपेक्षित है वो की जा रही है।